बात करेंगे जैसलमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पोकरण में सीबीआई की रेड डली है। एक वकील के मकान पर सीबीआई की रेड डली है। जैसलमेर के पोकरण में सीबीआई की रेड, बैंकों में केसीसी से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सीबीआई ने यह रेड की है। सर्च रिपोर्ट के फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की दबिश, 5 घंटे तक यह सर्च ऑपरेशन चला है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जैसलमेर से, जहां पोकरण में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने रेड डाली है। एक वकील के मकान पर सीबीआई की ये रेड डली, बैंकों में केसीसी से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने दबिश दी है। 5 घंटे तक ये सर्च अभियान चला। बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है जैसलमेर के पोकरण में। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला, क्या बड़ी अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि मरुधर ग्रामीण बैंक का ये सारा मामला है, जिसमें फर्जी जो है मोहर और सिग्नेचर कर लाखों रुपए की केसीसी उठा ली गई थी। इस मामले में अब जो है जांच अधिकारी है सीबीआई के, वो उनकी टीम पोकरण पहुंची दिल्ली से, और पोकरण में एक जो एडवोकेट जो है उनके घर दबिश दिए। वहीं अब एक और सूचना अभी लेटेस्ट हमारे पास हमें मिली है कि आचकंद्रा गांव में भी एक व्यक्ति जो कि इसका दलाल बताया जा रहा था, उस व्यक्ति के घर भी दबिश दिए और कुछ और लोगों के घर भी दबिश दी जानी है। इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई सक्रिय है। केसीसी के पैसे उठाने के मामले में बैंक के मैनेजर ने ही शिकायत की थी कि फर्जी रूप से जो है इस तरह के पेमेंट उठाए गए हैं, जिनमें लाखों रुपए का पेमेंट उठा लिया गया, और जिनकी जमीनें थी किसानों की उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो उन्होंने 1 लाख रुपए ये 50,000 रुपए की केसेस उठाई है। तो उदारनाथ उनके 5 और 10 लाख रुपए 10 गुना पैसे उठाने का मामला भी इसमें, हालांकि ये पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो श्रीकांत, ये कोई, मैं समझता हूँ कि बाहर बहुत सारे बैंक है जहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर तमाम तरीके से पैसा उठाया जा रहा है, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, और तो पर्टिकुलरली इसी बैंक के ऊपर छापा लगना, कोई खास सबूत सीबीआई के हाथ चढ़े थे पिछले दिनों? जी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर काफी वक्त से ग्रामीण जो है वो जांच की मांग कर रहे थे, और लंबे वक्त से जांच ना होने के बाद फिर ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया। अब लगातार इस मामले में खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस प्रकार से आज पोकरण और अभी कुछ देर पहले सूचना मिली कि आचकंद्रा में भी जो है वो दबिश दी गई थी, कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज है, तो शाम तक शायद ये रेड पूरी होगी तो पता चल पाएगा कि क्या घोटाला है और किन किन लोगों पर दबिश देकर वहां से दस्तावेजों को जो है वो सीबीआई खंगोल रही है। तो अभी श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी सीबीआई की तरफ से लग पाई है प्राथमिक रूप से, कितने रुपए तक का ये घोटाला, ये स्कैम हो सकता है? तक सीबीआई जो है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पोकरण में एक एडवोकेट के घर छापा दिया गया, वहीं एक दलाल के घर में आचकंद्रा जो गाँव है वहां पर जो है वो दी गई है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि रघुनाथ राम उसका नाम है, जिसे लोग उगम राम के नाम से जानते थे, और वो जो है बैंक के में कई दस्तावेजों की फाइलें बनाना, लोगों को केसीसी दिलाने का जो है एक बिचौलिया या दलाल के रूप में काम करता था। उसके घर से भी कुछ जो है फर्जी स्टैम्प्स और पेपर दस्तावेज जो है वो वहां से जब्त किए गए। ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे जैसलमेर पर पोखरण में हुई इस कार्रवाई पर। आगे